कैसे हैं आप लोग? देखिए कितना सुंदर सा बुद्धा जी का स्टैचू है, लेकिन ये मेरे घर पे कहीं पे भी सेट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये ब्लैक कलर में है और मेरे घर में जो भी जगह है जहाँ मैं इन्हें रख सकूँ वो सभी ब्लैक कलर में है। तो मैं जहाँ भी इन्हें बिठा रही हूँ तो पता ही नहीं चल रहा बुद्धा जी हैं भी या नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अभी मैंने इन्हें यहाँ पे साइड में कॉर्नर टेबल पर रखा है, ये भी ब्लैक कलर में ही है, कि मैंने इन्हें यहाँ पे पैरेट ग्रीन कलर की मैट के ऊपर बिठाया है और पीछे से सेम कलर का पॉट रख दिया है। साइड में ये अंश ने कलर किए थे तो ये भी ऐड कर दिए हैं थोड़ा कलरफुल होने के लिए। तो अभी ये कुछ दिखाई दे रहे हैं, आप बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। और अभी मैं अनवी के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। आज अनवी अकेले स्कूल जा रही है, अंश आज नहीं जा रहा है क्योंकि उसका आज दिन में बैडमिंटन का मैच है और मुझे उसे वहाँ पर लेके जाना है। तो मैं जल्दी से अनवी का टिफिन तैयार कर लेती हूँ। और मैं अनवी की यूनिफॉर्म रख दूंगी यहाँ पे। अनवी अभी वॉशरूम पे है तो वो आएगी तो खुद से रेडी हो जाएगी। तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। मैं ऐसे भी बीच में काम करते रहती हूँ जिससे कि मेरा काम निपट जाए और फिर अनवी को लेकर मैं जाऊँगी बस स्टॉप पर। मैं रेडी हूँ और आज सैटरडे इसलिए मैंने ब्लू ड्रेस पहनी है और ये रहा इंस्पिरेशन। और मैं यहाँ पे अनवी को बस में बिठा के आ चुकी हूँ। अब मैं अपना बचा हुआ सारा काम कर लूँगी और उसके बाद फ्री होके आराम से बाद में जाऊँगी अंश को लेके उसके मैच के लिए। अब अंश भी रेडी हो गया है और मैं जा रही हूँ उसे लेके मैच के लिए। अंश थोड़ा घबरा भी रहा है तो देखते हैं क्या होता है उसके मैच में। तो अब आपको मिलती हूँ मैं सीधे वहीं मैच पे। और अब अंश का मैच स्टार्ट हो चुका है। हम दिन में एक बजे से बैठे हुए थे और अब जाके मैच स्टार्ट हो रहा है अंश रात के 7 बजे। और काफ़ी अच्छा खेला आज अंश ने। पहला मैच तो वो जीत गया बट दूसरा मैच हार गया। कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। आइडिया हो जाता है बच्चों को थोड़ा बाहर आके, क्योंकि उत्तराखंड से बच्चे आए हुए थे बहुत ज़्यादा। मैच ख़त्म होते होते रात के 10 बज गए हैं और अब हम जाएंगे घर को, काफ़ी देर हो गई है। और आज सुबह हमारी बहुत देर से नींद खुली, कल रात काफ़ी देर हो गई थी सोते सोते और बहुत थकान भी हो गई थी बैठे बैठे। आप दिन भर ना चाहे कितना ही काम कर लो लेकिन थकान नहीं होती और बैठे बैठे ज़्यादा थकान हो जाती है। तो आज काफ़ी लेट हो गया, सारे काम लेट हो गए इस चक्कर में। तो अब मैं झाड़ू और लगा लूँगी और आज मुझे ये सामने जो गमले दिखाई दे रहे हैं ये शिफ्ट करने हैं ऊपर वाली छत में। गर्मियों में मैंने नीचे शिफ्ट किए थे, वहाँ बहुत तेज गर्मी हो रही थी तो ये झुलस गए थे, इसीलिए मैंने नीचे ले आई थी। यहाँ मॉर्निंग की धूप रहती है, अब विंटर सीजन आ रहा है तो यहाँ पे धूप कम रहेगी तो मैं इन्हें वापस ऊपर शिफ्ट कर दूँगी आज। तो चलिए मैं इन्हें फटाफट शिफ्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये जगह खाली खाली सी लग रही थी तो मैंने दो पॉट रख दिया यहाँ पर ताकि एकदम से खाली सा ना लगे। और आज हम लोगों ने लंच में बनाए बेसन के चीले। एक्चुअली ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी हो गया था तो किसी का खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए हमने चीले बना लिए। काफ़ी क्रिस्पी बने थे और बहुत इजी रेसिपी है, मैं किसी दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज संडे था और हमने सोचा कि चलो बच्चों को कहीं आउटिंग के लिए ले जाते हैं बाहर, तो अचानक से मूवी का प्लान बना लिया। हम 15 मिनट लेट भी हो गए, मूवी स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन अंश और अनवी बहुत खुश थे मूवी के लिए। उन्हें बहुत पसंद है मूवी देखना और उनकी फेवरेट पॉपकॉर्न, बिना पॉपकॉर्न के तो मूवी में मज़ा ही नहीं आता, तो इसलिए ले लिए उनके लिए खूब सारे पॉपकॉर्न और चिप्स। और उसके बाद थोड़ा गेम पार्लर में एंजॉय किया अंश ने और अनवी ने, तो खूब सारी मस्ती की।
मज़ा आता है यहाँ पे, बहुत इंजॉय करती है वो। घर पहुँचने में काफ़ी देर हो गई थी, अंधेरा हो चुका था, तो मैं सीधा छत पे आ गई पानी डालने के लिए। ये वही गमले हैं जो मैंने सुबह शिफ्ट किए थे, मैं अभी इनमें पानी डाल लूँगी। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।